So let's put on our mask. Okay, and head out. Hi everyone, good morning. तो अभी मैं ready हो रही हूँ university जाने के लिए. मेरे पास थोड़ा सा time है और आज का पूरा दिन मैं vlog करने वाली हूँ. भी मैं almost ready हूँ. I am dressed up. और बस थोड़ा सा बाल वगैरह ठीक करके एंड वी विल हेड आउट एंड आई विल टेक यू एवरीवेयर दैट आई गो टुडे. सो कीप वॉचिंग. आई नो ये बहुत ही ज़्यादा वियर्ड एंगल है बट यू हैव टू डू विद इट बिकॉज आई हैव टू गेट रेडी एंड मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है. रेडी होते होते मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि हर दिन ऐसा नहीं होता बट लगभग हर दिन ऐसा होता है. इट्स लाइक मोस्ट ऑफ द डेज आर लाइक दिस एंड काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है आज के दिन में. सो कीप वॉचिंग. कोरिया में विंटर आ चुका है जोरों शोरों से और बिल्कुल टाइम नहीं लिया है विंटर ने आने में. थिंग इज कि अब इंडिया में जैसे ग्रेजुअली सर्दी आती है थोड़ा सा गर्मी के बाद बारिश होगी हल्की ठंड आएगी और ह्यूमिडिटी भी आएगी एंड देन धीरे धीरे मे बी लेट्स से दिवाली के बाद एक्चुअल ठंड आती है. यहाँ से नहीं है. यहाँ पे मैं आई तो गर्मी थी प्रॉपर गर्मी. देन दो दिन बारिश हुई. दो दिन नहीं दो तीन दिन या दो चार दिन बारिश हुई एंड अब यहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड है कि मैं कैसे पहन रही हूँ. मैं ले लेंगे ऑलरेडी ऐसा हाल है. सो लास्ट क्लिप में मैं ये ट्राई कर रही थी कि मैं बोल पाऊँ कि अभी मैं आपको अपना आउटफिट दिखाने वाली हूँ पूरा और एटलीस्ट अटेम्प्ट करने वाली हूँ. एंड नाउ आई एम लीविंग द डॉम बिल्डिंग. अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि यूनिवर्सिटी में कहीं पे भी जाने के लिए वी वॉक अ लॉट. तो सुबह सुबह भी मेरी काफ़ी वॉकिंग हो जाती है क्लास तक पहुंचने में. और एक चीज़ मैं फिल्म नहीं कर पाई दैट इज़ एंट्री करते वक्त हमें टेम्परेचर लेना होता है और अपने डिटेल्स प्रोवाइड करने होते हैं तो वो चीज़ मैंने फिल्म नहीं करी. बट ये है मेरी क्लासरूम की तरफ जाने का रास्ता एंड दिस इज़ द कॉमन एरिया दैट वी यूज ड्यूरिंग आवर ब्रेक्स. क्लास के तुरंत बाद मुझे भूख लग जाती है तो यूजुअली हम लोग कैफेटेरिया में कुछ खाते हैं बट आज मैं अकेले सब्बे आई हूँ खाने. बाकी मेरे फ्रेंड्स सब नॉन वेज प्रेफर करते हैं तो वो लोग एक कोरियन रेस्टोरेंट गए थे और मैं अकेले यहाँ पे सब्बे में खा रही थी. एंड आई मेक श्योर कि मेरे हर व्लॉग में एक ना एक सेगमेंट हो जहाँ पर मैं खुद को खाते हुए दिखाऊँ. लंच के तुरंत बाद मुझे कुछ चीज़ें ख़रीदनी थी तो मैं ओलिव यंग और डाइसो गई थी. और यहाँ पे ओलिव यंग में मैंने कोशिश करी कुछ प्रोडक्ट्स आपको दिखाने की जो हमें इंडिया में भी मिल सकते हैं एंड व्हाट कुड बी द प्राइस रेंज. बट अभी एडिट करते वक्त मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है कि ये पूरा खुद में एक वीडियो बन सकता है जहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ कि डिफरेंट चीज़ों के क्या प्राइस रेंजेस रहते हैं. तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डू लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन बिलो. नेक्स्ट स्टॉप वाज डाइसो फॉर अस. और इस दिन पर्टिकुलरली बहुत ठंड तो थी ही प्लस बारिश भी हो गई थी और जैसे कि आप देख सकते हैं बारिश के बाद कोरिया कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लगता है एंड आई ट्राई टू कैप्चर इट.
मेरा मेन मोटो था कुछ चीज़ें ख़रीदने के लिए, लाइक स्टेशनरी एंड स्लिपर फॉर माई रूम, बट इतनी सारी नई चीज़ें आ गई हैं, प्लस हेलोवीन के लिए न्यू कलेक्शन आ गया है डाइसो में, सो बहुत सारी नई चीज़ें थी और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में थी, तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करके आती हूँ डाइसो में हमेशा। और अभी मैं डॉम की तरफ वापस जा रही हूँ, एंड जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा सुंदर दिख रही है। आई कैन नॉट वेट फॉर विंटर एंड द स्नो, और उसके बाद जो यूनिवर्सिटी का लुक होगा वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होगा। सो आई एम एट द डॉर्म राइट नाउ, आई एम बैक। आई वेंट टू डाइसो टू गेट सम स्टफ एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू शो यू हाउ ब्यूटिफुल इट इज़ आफ्टर रेनिंग आउटसाइड एंड आई एम लिटिल हॉट सो एंड द एसी इज नॉट वर्किंग, जस्ट गिव मी वन सेकेंड। Yep, it's working now. So yeah, let me show you outside. Show you how my desk look like. Some pictures of my friends, books, whatever makeup stuff I have, food needs two columns of course. Then I have my night lamp, which is very cute. And my setup because of online classes, Bhagwanji, photo of my family. And that's it. So I will leave for the cafe now in about 15 minutes and I will see you at the cafe then. Bye. Okay, so I'm all ready to go to the cafe. I changed quickly because Pooja ki thoda zyada mota tha aur abhi halki si kam thand hai. So this would be fine, this would be, and I have everything packed in my bag for the cafe, for my studies, so I'll show you that and we will head out after that. So this is my bag and I have everything I need, my books, my tablet, my notebook and my charger. Let's put on our mask. Okay, and head out. I'll see you in the cafe, guys. आओ खाने के लिए। आइस आइस से चक्के लगते हैं हम लोग। बीच का कौन जाता है? ओह नहीं। सो ये कैफे था मेरा चॉइस ऑफ द डे जहाँ पे मैं पढ़ने वाली थी। अभी कुछ ही देर में आप टाइम लैप्स देखोगे ऑफ मी स्टडिंग, और मैं बता देना चाहती हूँ आई वाज हियर फॉर 4 आवर्स। टाइम लैप्स बहुत ही छोटा है, बट मैं 4 घंटे तक यहाँ पे पढ़ाई कर रही थी। एंड अगर आप लोगों को ऐसा कॉन्सेप्ट पसंद है, मैंने पहले भी एक वीडियो डाल के रखा है जहाँ पे आई वॉज स्टडिंग विद यू गाइज फॉर 2 आवर्स। अगर ऐसा कॉन्सेप्ट पसंद है तो वी कैन डेफिनेटली डू अ लाइव जहाँ पे आई टेक यू गाइज टू अ कैफ़े एंड वी कैन स्टडी टुगेदर। सो लेट मी नो ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में भी कि आपको पसंद है या नहीं। सो गाइज आई एम बैक एट माई डॉर्म, और मैंने खाना खा लिया है, डिनर इज़ डन।
और वो सब मैंने व्लॉग नहीं किया. आई ऑल्सो प्लेड बैडमिंटन फॉर सम टाइम बट क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे लोग आसपास रहते हैं तो आई डिड नॉट व्लॉग इट. बट आई होप आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो. अगर लगा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना. और नेक्स्ट वीडियो जो आप लोग बार बार पूछ रहे हो इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर KGSB वो भी रेडी है. बस मुझे एडिट करके अपलोड करना है. तो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड इट विल बी अपलोडेड सून. एंड थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग टिल नाउ एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम.